का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अपने 7 Habits of Highly Effective People जो पुस्तक आपने शायद पढ़ा होगा, स्टीफन कोवी जो सबसे बड़े माने जाने वाले मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट बुक एवर रिटन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में 60 हफ्ते तक ये टॉप पे थी, और आज शायद 90% बी स्कूल्स में जहां MBA की डिग्रीज मिलती हैं यूरोप अमेरिका के साथ, सब स्कूल्स में ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के शायद ही कोई एग्जीक्यूटिव्स बचे होंगे जिन्होंने इस पुस्तक का कोई कोर्स ना किया हो, कोई क्रैश कोर्स, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का 5 हफ्ते का कोर्स ना किया हो। इस पुस्तक उन्होंने लिखा, बहुत समझने वाली ये बात है, ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने जीवन में ये पुस्तक लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, जो सिर्फ धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में सफल नहीं, बड़े व्यवसाय के साथ जीवन के सभी रोल में सफल थे, हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, नेबर या रिलेटिव, फ्रेंड, डॉटर या सन, सभी जो रोल हमें जीवन में सभी को करना है, वो सभी रोल में ये लोग सफलता उन्होंने पाई थी। ऐसे 3000 से ज्यादा लोग को वे मिले, और मिलने के बाद शांति से 3 साल तक विचार किए, और फिर ये पुस्तक लिखिए, द 7 Habits of Highly Effective People, मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 7 आदतें मैंने कॉमन देखी। मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं। प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी, फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो। आप जो ट्रस्ट में हो, जो संस्था में हो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट, आपका विचार अच्छे थे, लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया, फिर भी आप इतने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो। ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपका किसी ने अपमान किया, फिर उस वक्त आप स्थिर रह सकते हो, ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई, अ सेटबैक, अ फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे, आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। किसी ने चांटा मारा, फिर भी आप हंस रहे, हंस सकते हैं। टू कीप योर सेल्फ स्टेबल इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। दूसरी बात लिखते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका अंतिम परिणाम, आप क्या चाहते हैं वो आप अभी से सोच लें, और अंतिम नतीजा शायद क्या भी आ सकता है वो भी आप तैयार कर लें। तीसरी बात लिखिए, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी। चौथी बात लिखिए, थिंक विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतूं, आप भी पैसा कमाएं, मैं भी कमाऊं, आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ एक बार दो बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतू, वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। पांचवी बात लिखी थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए ये आदत बहुत जरूरी है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति मुझे समझे ऐसी अपेक्षा रखे। हमारी बात यह होती है कि देख, तू मेरा सुन, पहले तू मेरी बात सुन।
ये स्टीफन को अभी लिखते हैं, ये 3000 सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी, पहले वे सामने वाली व्यक्ति को शांति से सुनते थे। कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दूं। उत्तर देने के लिए मत सुनना, स्टीफन को अभी लिखते हैं एम्फैटिक लिसनिंग, समझने के लिए सुनना। पांच आदतें हुई। सिक्स्थ लिखते हैं सिनर्जी। एनर्जी तो हम सब समझते हैं, मतलब आगे ऐसा लगता है। सिनर्जी मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कभी मनभेद भी हो जाते हैं, फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं, साथ रहते हैं और चर्चा करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए अपनी एनर्जी रिसोर्सेज अंदर डालते हैं, एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं, उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ये सिनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है, 3 1 Indian = 3 Japanese। एक भारतीय उसमें इतनी ताकत होती है, 3 जापानीज जो काम कर सकते हैं वो एक भारतीय कर सकता है। 1 Indian = 3 Japanese, 2 Indians = 1 Japanese। अब पता चला, जब दो भारतीय साथ में आते हैं ना तब संभ टूटता है। मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है, 1 जापानीज जैसी। एंड 3 Indians = 0। 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। मुझे तो अभी कहा गया कि सब यहां जो आपकी टीम है जीतो की और ये ऑर्गेनाइजेशन के, सब कई बार बात करते थे, सब जब पीछे बैठे थे, बहुत सम से एक बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बोल रहे थे कि सब यहां देने आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं, तो ये एक भावना है तो इतना बड़ा काम होता है, वरना कैसे होता है। और 7th हैबिट लिखते हैं शार्पन योर सॉ, मतलब आपको अगर इफ यू वॉन्ट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ तो यू हैव टू शार्पन इट, तो योर सॉ, योर फिजिकल सॉ, यू हैव टू कीप एक्सरसाइजेस, मेंटल सॉ, यू हैव टू कीप गुड रीडिंग एंड थिंकिंग गुड, योर इमोशनल सॉ, दैट इज यू हैव टू हैव द राइट टाइप ऑफ फीलिंग्स, एंड योर स्पिरिचुअल सॉ। इसमें स्टीफन कोवी लिखते हैं कि कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू प्रेयर्स एवरी डे, आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप से। ये 3000 सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी, ये सफलता का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे, किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा, और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के, जो लाइट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी, एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई। एडिसन को किसी ने बताया, वे चले सुबह में, देखा कि इट वॉज अ हीप ऑफ एशेज, छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर, क्यों क्यों, शी माइट नॉट हैव सीन सच अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ। कितने स्थिर थे। और एडिसन की पत्नी जब आई तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री। एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया और एडिसन बोले ऊपर देख के, थैंक गॉड ऑल माय मिस्टेक्स हैव बर्नड अप, आई एम कमिंग बैक एट 10, आई विल स्टार्ट अगेन। और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी। उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार, मेरी सब गलतियां जल गई। वो गलतियां नहीं थी, जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। यू गॉट माई पॉइंट। जब तक वो पेपर्स थे, जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी, लेबोरेटरी थी, तब तक वो सब क्या था, रिकॉर्ड्स और डेटा था। एक बार जल गई, यहां अभिगम बदल दिया, गलतियां थी जल गई, आई विल स्टार्ट अफ्रेश। ही डिड इट एंड ही गेव दिस। ये कहां से इतना बल आता है इस परिस्थिति में। प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था कि लंदन में एक भव्य शिखरबद्ध मंदिर करना है। हैरो वहां एक एरिया है, वहां हमने जमीन भी ली, लेकिन नेबरहुड में सबने ये प्रश्न उठाया कि ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, आरती करेंगे तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसा तो करते नहीं है हम,
लेकिन वहां एक सिग्नेचर कैंपेन होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस है। उन्होंने वो किया और ज्यादा सिग्नेचर लोकल्स से उनकी हुई तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि बीएपीएस कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मंदिर, या वो यहां मंदिर नहीं बांध सकते, और हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फोन किया वहां लंदन से कि स्वामी जी हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हमारे बड़े सदगुरु संत पूज्य विवेक सागर स्वामी थे, उन्होंने ये प्रसंग सुन प्रत्यक्ष देखा। प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे एक व्रिंकल भी नहीं फरी। प्रथम वाक्य वे बोले, जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ सही भावना से किया था, अब परिणाम जो भगवान की इच्छा है वो हम स्वीकार लेंगे। और तीसरा वाक्य बोले कि हमने तैर किया था, वो मंदिर तो करना है, और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो, मंदिर तो जरूर बनाएंगे। और बनाया, और रीडर्स डाइजेस्ट ने 95 में जब प्रतिष्ठा हुई तब लिखा, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शायद आप लोगों ने किसी ने वो मंदिर देखा होगा निजदन में, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से ये बात सफलता के लिए सीखनी है, जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हाँ, तो अब भगवान की इच्छा जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, और जो तैर किया वो करना तो है ही।